Hello everyone, welcome to the channel that is SAM, that is Study, Art, Motivation and Education. A very warm welcome to all of you, and I have decided to start a series of a very important chapter of third year BDS curriculum, that is Developmental Disturbances of Oral and Paraoral Structures. Well, this is a very important chapter for BDS third year curriculum, and obviously oral pathology is a very vast subject, so I'm going to start a series of this chapter, and after that we'll see what chapter I pick up for this YouTube channel. And I request all of you to subscribe to my channel if you find this video useful for you. So this will be just a introductory video for all of you, for all the viewers. So in this video, what we are going to discuss are, सबसे पहले तो, what is developmental disturbances. Now developmental disturbances, ये चीज मैं अब आपको हर वीडियो में बोलूंगी कि जब भी आपकी आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो सबसे पहले उसके नाम से उसे जज करो. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल एग्नेथिया है, फॉर एग्जाम्पल एग्नेथिया दिया हुआ है, बट आपको नहीं पता व्हाट इज एग्नेथिया. ओके, लेकिन फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट हमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होते हैं. तो उसी तरह से, फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्नेथिया मीन्स एब्सेंस ऑफ जॉ. ओके, फर्स्ट एग्नेथिया इज एब्सेंस ऑफ जॉ, दैट इज ए, जहां पर भी एग्नेथिया यानी कि जॉ, एंड जहां पर भी हम ए लगा देते हैं वहां तो वो एब्सेंस हो जाता है. ओके, सो दिस इज इट. एंड नाउ व्हाट इज डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज, अगर हम इसकी डेफिनेशन या फिर कुछ भी पूछें तो डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज यानी कि, फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टर्बेंसेज यानी कि कुछ भी फिजिकल कुछ फिजिकल एजेंट या केमिकल एजेंट या केमिकल एक्सपोजर की वजह से कुछ डिस्टर्बेंसेज हुए हैं. डेवलपमेंटल यानी कि जब जो बेबी है, जो मदर है, मदर का जो बेबी है, डेवलपमेंट के टाइम पर कुछ जेनेटिक, मॉलिक्यूलर या तो फिर कुछ केमिकल, इन सब चीजों की वजह से कुछ डिस्टर्बेंसेज हुए हैं बेबी के डेवलपमेंट में. तो उस टाइम पर जो भी डिस्टर्बेंसेज की वजह से जो भी इफेक्ट बच्चे में देखने को मिलेगा, दीज आर कॉल्ड डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज. Now we are discussing about the oral pathology. So developmental disturbances of oral or paraoral structures के बारे में हम देखेंगे. Now अब इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, सबसे पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ. तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आप डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ टूथ बताओ. इसका पूरा एक क्लासिफिकेशन है जो पूछा ही जाता है, लाइक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उस क्लासिफिकेशन में से कोई एक टॉपिक आपको बोलेंगे कि इस, कोई भी एक टॉपिक वो आपको दे देंगे और बोलेंगे चलो इसको एक्सप्लेन करो. ओके, सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ टूथ, जिसका क्लासिफिकेशन, और फिर क्लासिफिकेशन के बाद हर एक एक टॉपिक को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे. नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ पैराओरल स्ट्रक्चर्स, तो उसके बारे में भी हम पढ़ना शुरू करेंगे. अगेन, इसका भी बहुत बड़ा सा क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे. और वी स्टार्ट बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स एंड गो इन डिटेल एंड अंडरस्टैंड एवरी डिसीज और एवरीथिंग, बिफोर वी डू दैट वी हैव टू हैव अ नॉलेज अबाउट क्रेनियोफेशियल एनोमलीज, बिकॉज ऑल द डिसीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन, because all the developmental disturbances which we are going to discuss in this chapter are associated with craniofacial anomalies. So, craniofacial anomalies. Now, if you see what is craniofacial anomalies, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि we should, अगर हमें कुछ नहीं भी पता है तो हमें, like किसी topic के बारे में अगर हमें नहीं भी पता है तो हम उस topic के वर्ड से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस चीज के बारे में है. नाउ एनोमलीज मतलब इरेग्युलरिटीज, एंड क्रेनियो एंड फेशियल. क्रेनियो मीन्स हेड एंड फेशियल ऑब्वियसली फेस, है ना. सो द डेफिनेशन वुड बी अ डाइवर्स
group of deformities caused by the growth of the head and the facial bones. ऐसी deformities जो कि developmental development baby के development के time पर head और facial bones में हुई है, इस तरह की deformities को हम कहते हैं craniofacial anomalies. Now coming to craniofacial anomalies, तो ये बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है. इट कैन बी कॉज्ड बाय केमिकल एक्सपोजर, इट कैन बी कॉज्ड बाय अ फिजिकल जर्क, और इट कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक और मोलिकुलर डिस्टर्बेंसेस एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट. Now these are the things. If we talk about in detail, like so, I have listed few things which we have to know about these craniofacial anomalies. Well, craniofacial anomalies is a very big topic. Now coming to the थोड़ी सी डिटेल थिंग्स ऑफ क्रेनियोफेशियल एनोमलीज. वेल लेट मी क्लियर कि क्रेनियोफेशियल एनोमलीज पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई कुछ पूछने नहीं वाला है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर इफ यू वांट टू परस्यू ओरल सर्जरी और क्रेनियोफेशियल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी. सो इट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, सो द थिंग्स विच वी हैव नॉलेज अबाउट क्रेनियोफेशियल एनोमलीज जो क्यों होती है, तो इट कैन बी कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, इट कैन बी कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल थिंग्स दैट आई हैव सेड, लाइक इट कैन बी अ फिजिकल जर्क और केमिकल एक्सपोजर और एनीथिंग. कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स में आपका आ जाएगा जेनेटिक और मॉलिकुलर डिस्टर्बेंसेज. नाउ एंड द क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. नाउ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. नाउ क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट पर आपको एक लॉन्ग नोट भी आता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में. नाउ अभी हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ये जो है, ये जो टॉपिक है, ये पैरा ओरल स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज में पढ़ाया जाता है. सो वी विल डिस्कस वेरी डिटेल अबाउट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट इन अपकमिंग वीडियोज. नाउ अभी के लिए अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि वॉट इज क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, सो A separation that occurs in the lip or the palate or both, उसको हम कहते हैं cleft lip और cleft palate. Separation याद रखना. Now, if you don't remember what is cleft lip and cleft palate, आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा. As a dental student, आपने इसके बारे में photos भी देखे होंगे, and अगर नहीं देखी है तो I'll put in the video. Now, next is, now, what is craniosynostosis? Now, it is a, I think it is a very interesting thing. Which I have read, that is cranium, obviously head. Now what we are going to discuss in this thing is what is craniosynostosis. It is sutures, जो skull में जो हमारे sutures होते हैं, आपने 12th में भी पढ़ा होगा, जो sutures होते हैं infant में, जब ये sutures जो है इनका जो एक particular time होता है उससे पहले ही, यानी कि prematurely these sutures जो है वो बंद हो जाते हैं, due to which स्कल जो होता है बेबी का वो बहुत स्मॉल हो जाता है, एंड जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है. सो व्हाट इज क्रेनियोसाइनोस्टोसिस? इट इज स्यूचर इन द स्कल ऑफ एन इन्फेंट क्लोज टू अर्ली दैट कॉजेज प्रॉब्लम विद द नॉर्मल ब्रेन एंड स्कल ग्रोथ. सो दिस इज व्हाट क्रेनियोसाइनोस्टोसिस. सो हेमिफेशियल माइक्रोसोमिया, अगेन व्हाट इज दिस? सबसे पहले बिफोर वी डिस्कस अबाउट दिस, यू हैव टू टेल मी इसका मतलब क्या होगा. ओके, सो लेट मी टेल यू. हेमी यानी कि हाफ, फेशियल यानी कि ऑब्वियसली फेस, माइक्रो यानी कि स्मॉल. ओके, सो इतने से तो हमें समझ में ही आ जा रहा है कि फेस का जो हाफ पार्ट है वो अंडर डेवलप्ड होगा. ओके, दैट हाफ पार्ट ऑफ द फेस इज अंडर डेवलप्ड. और इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड थिंग्स क्या होगी? माउथ, आईज एंड ईयर. दीज थ्री थिंग्स आर मोस्टली अफेक्टेड इन दिस एनोमली, हेमिफेशियल माइक्रोसोमिया. सो इफ एनी वन ask you what is hemifacial microsomia, so you can say the half of the face is underdeveloped. Now एक्चुअल में क्या होता है, ये तो हो गया ऊपर ऊपर से कि व्हाट इज अ हेमिफेशियल माइक्रोसोमिया, अगर नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे. बट दिस इज अ कंडीशन इन विच हाफ ऑफ द फेस में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी स्टेप पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? एट द लेवल ऑफ टिश्यूज.
एट द लेवल ऑफ टिश्यूज जो फेस का डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, वो अंडर डेवलप्ड हो जाएगा. सो इसे हम इस कंडीशन को, सो दिस कंडीशन इन विच टिश्यूज ऑफ वन साइड ऑफ द फेस आर अंडर डेवलप्ड, और मोस्टली क्या अफेक्टेड होता है, माउथ आईज एंड ईयर्स. ओके, सो इस पर्टिकुलर एनोमली के बहुत सारे नाम हैं जो आप आगे चल के देखोगे. तो इट इज ऑल्सो नोन एज, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज विच इज गिवन टू दिस पर्टिकुलर एनोमली. सो दीज आर फाइव अदर नेम्स ऑफ हेमिफेशियल माइक्रोसोमियाज एनोमलीज. फर्स्ट इज गोल्डेनर सिंड्रोम, ब्रेकियल आर्क सिंड्रोम, देन फेशियो ऑरिक्यूलो वर्टेब्रल सिंड्रोम, ऑक्यूलो ऑरिक्यूलो वर्टेब्रल सिंड्रोम, लेटरल फेशियल डिस्प्लेशिया. सो दीज टर्मिनोलॉजीज यू विल फाइंड दीज टर्मिनोलॉजीज इन अपकमिंग वीडियोज और इन अपकमिंग थिंग्स एंड डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज. इसमें आपको ये टर्मिनोलॉजीज बहुत देखने को मिलेंगी, और आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए इन्हें जानना जरूरी है कि इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि हाफ ऑफ द फेस इज अंडर डेवलप्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वैस्क्यूलर मालफॉर्मेशन. व्हाट इज मस्क्यूलर मालफॉर्मेशन? सो मस्क्यूलर मालफॉर्मेशन इज नथिंग बट आर डिसऑर्डर ऑफ द developmental stage of vascular tree. Now again, this is a important and a vast topic, that vascular malformation. Iska detailed video ka link main aapko description mein de dungi, and also is particular topic ke bare mein hum aage chal ke padhenge, jo ki ye ek important topic bhi hai. So abhi ke liye iska matlab aapko pata hona chahiye that what is vascular malformation. So vascular malformation is nothing but it is a disorder jo ki developmental stage par ho raha hai, aur kis स्टेज पर हो रहा है, वेस्कुलर ट्री के स्टेज पर ये डिसऑर्डर हो रहा है. ओके, सो दिस इज वेस्कुलर मालफॉर्मेशन. एंड द अदर थिंग, द लास्ट थिंग विच वी हैव इन क्रेनियोफेशियल एनोमलीज इज डिफॉर्मेशनल, और यू कैन से पोजिशनल प्लेजियोसेफेली. Now, what is plagiocephaly? So, it is a asymmetric shape of head from repeated pressure of the same area. जो development के time पर अगर बच्चे के एक ही head के part पर continuously कुछ pressure apply हो रहा है, okay? So उस time पर क्या होगा? उस side का जो for example, plagiocephaly में क्या होता है कि जैसे कि ये area पर ब्रेन के इस एरिया पर बहुत ज्यादा इफेक्ट या प्रेशर दिया जा रहा है, और नॉट दिया जा रहा है बट कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर बेबी के ब्रेन के कुछ पार्ट पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर अप्लाई हो रहा है ड्यू टू सम फिजिकल जर्क और एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग. सो उससे क्या होगा, ये एक डिफॉर्मिटी आ जाएगी. जब बेबी का जन्म होगा तो ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिकल फॉर्म में आएगा. क्यों? क्योंकि जहां पर प्रेशर अप्लाई हुआ था वो एरिया जो है वो दब जाएगा, जिसकी वजह से एसिमेट्री आ जाएगी. और इसी कंडीशन को, इसी को हम कहते हैं पोजिशनल प्लेजियोसेफेली, और यू कैन से डिफॉर्मेशनल प्लेजियोसेफेली. बेसिकली इट इज ऑब्लिक हेड. ओके, सो हियर वी एंड द वीडियो, एंड दिस इज द introductory video. And from next video is also going to be an introduction, because there are a lot of agents that are called teratogenic agents, which you have to know, because these agents are responsible for these deformities, for these anomalies which we are going to discuss. So that video will be a short video, but it is important for you to know about that. After that video we will start discussing about the classifications of developmental disturbances and all. Okay, so thank you so much for watching.